जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसा वीडियो जो हमारे जवानों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि जवान हमारे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो प्रमोशन लूं या नहीं लूं, एसीपी मुझे इस किस कंडीशन में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं 15, 16, 17 साल सर्विस करके जाता हूं, सिर्फ मैं सिपाही में जाना चाहता हूं, क्या मैं आज के 10 साल बाद जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। आज इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि दोस्तों ये बदलता दौर है, बहुत सारे रिनोवेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फौज के साथ हो रहे हैं और शुभ बुगाहट नहीं, एक्चुअल बहुत सारे ड्राफ्ट हैं जो अप्रूव हो चुके हैं, बस हरी झंडी मिलने वाली बाकी है, बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। आप ये कभी किस तरह डिसाइड करोगे, मैं ये मान के चलता हूं आपकी सर्विस 15, 17, 19 साल करनी है, ये आज यदि आप 5 साल या 7 साल सर्विस में हो तो आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ यानी सिपाही वाली नौकरी करके जाऊंगी 15 ईयर 17, 19 जिसके ट्रेड के अकॉर्डिंग सिपाही की है और मैं पेंशन चला जाऊंगा, अब क्या मुझे प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है, फायदा होगा या नुकसान होगा, करेक्ट। दूसरी बात एमएससीपी विलिंग तो मिलेगी, अनविलिंग तो नहीं मिलेगी, या किस कंडीशन में मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों बातों के ऊपर बात करता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ करना। पहली बात, आज आप 5, 7 साल सर्विस में तो आपको नहीं पता कि 15, 17 साल में आपको 50% पेंशन मिलेगी, ये कह नहीं सकते, ये श्योर नहीं है कि जो आज की कंडीशन से आज मिल रही है, हो सकता है इसके ऊपर काम चल रहा है, कम से कम सर्विस ये आपकी बढ़नी बढ़नी है। यदि आप इस कंडीशन में सर्विस छोड़ोगे, 20 साल से कम तो छोड़ने का मतलब नहीं हो, 20 साल पे छोड़ोगे, हो सकता है आपको 25% ही पेंशन मिले, तो ये रिस्क वाला काम है। जब आप नौकरी कर ही रहे हो तो प्रमोशन की बात पे आ जाता हूं, लेना या नहीं लेना, नहीं लेना किसी भी हालत में ठीक नहीं, प्रमोशन लीजिए, यानी जो कैडर क्लासेस है वो आप करिए। जब कैडर क्लासेस में आप अनविलिंग कर दोगे तो सीधा आपकी एमएससीपी भी कट जाएगी, एमएससीपी एसीपी जो है वो नहीं मिलना है, और ये जो दोनों चीजें हैं एक साथ में संबंध है कि जिस बंदे को फिजिकल प्रमोशन नहीं मिलता है उसको ही एमएससीपी मिलती है, पहली बात तो आप ये समझिए। और जिसका प्रावधान है कि पहली आपको 8 साल में 16-24 मैक्सिमम, मतलब नायक हवलदार और नायब सूबेदार की जो जवान से भर्ती होते हैं उनके लिए। अब हर जगह कि फायदा और नुकसान क्या होता है, मैं बताता हूं कि आप फौज में फिजिकली नौकरी करते हो और आपसे जूनियर नायक है, आपसे जूनियर हवलदार है, आप क्वार्टर गार्ड में संतरी खड़े हो, आपको पता है वो गार्ड का वार्डर है, बड़ी प्रॉब्लम। कहीं जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, कहीं भी खड़े होते फॉलन में, वहां भी आपको उसके बाहें खड़ा होना पड़ेगा, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां आपको एक लग रहा है ना अंदर से गिल्टी फील होगी, और दूसरी बड़ी गिल्टी फील होगी कि आप इतनी सर्विस में 2 इंक्रीमेंट लॉस करोगे, कम से कम 2 इंक्रीमेंट लॉस करोगे, यानी आपकी 35 से 40 हजार बेसिक पे जाती है तो 2 इंक्रीमेंट मतलब कितना होता है पता, 3% एक इंक्रीमेंट, 2, 6%, यानी मैं 12-12, यानी कम से कम आप 2 से 2.5 हजार रुपए का लॉस कर रहे हो अपना, और 2 से 2.5 हजार बेसिक में लॉस कर रहे हो, वो आपकी तनख्वाह में जो डीए बढ़ेगा कितना लॉस होगा, फिर जब आप पेंशन जाओगे जो 2.5 हजार को मैं बांटूंगा आधा सीधा करता हूं तो कितना बनेगा, आप इसी के ऊपर पेमेंट होगी, ग्रेचुटी आपकी पेमेंट होगी, कम्यूटेशन होगा, पेंशन होगी, यानी 2-2.5 हजार का मतलब है 5 से 10 लाख रुपए, 5 से 10 लाख का आप पूरी जिंदगी में सफर करोगे, मिल क्या रहा है, इसको छोड़ने से क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। आप ये सारी लेते रहो, यदि प्रमेचर जिंदा रहा तो 15 साल में वैसे ही चले जाना, काय को ये सारे सारे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, पता नहीं 3-4 साल सर्विस है और 15-16 साल का प्लान कर ले, तो शांत रहिए, जो सामने है बढ़िया खाना है खाइए, जो मिल रहा है उसको लीजिए और आगे आप क्या ले सकते हो उसके आगे बढ़िए, चाहे वो प्रमोशन के जरिए ले सकते हो, चाहे वो सर्विस कमीशन के जरिए ले सकते हो, चाहे वो बहुत सारे और अचीवमेंट है, टेक्निकल बन सकते हो, दूसरे और कोरों में डायरेक्ट जेएसयू वेएसयू का प्लान है, जो मिल सकता है लीजिए, क्योंकि सिविल में जो आरक्षण है उसके लिए भी आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लोगों को उन्होंने आरक्षण रिटर्न में हटा दिया है, रिटर्न आपको सिमिलर जो लोग है ना ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग वाले उनके साथ आपको रिटर्न एग्जाम लिखना है, उस मेरिट लिस्ट में आओगे तब आपको रिविजन के लिए कंसिडर किया जाएगा फिजिकल और एज में। मेरे भाई मेरी आपसे यही सलाह है, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ,
फौज को एज ए कैरियर आप इस्तेमाल करिए, नौकरी भी है पैसन भी है और कैरियर के दिमाग से इस्तेमाल करिए। जो भी छोटी छोटी संभावना है आपकी लाइफ में लीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। थोड़ा परेशानी है, फिजिकल हरासमेंट है, मेंटली हरासमेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ आके उससे 10 गुना बड़ा हरासमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। प्लीज इस मैं कहता नहीं हूँ, आपको लगता है तो पक्का अपने जो दोस्त हैं मेरे, जो मेरे खासकर जो लड़के मुझे देखते हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और सबक लें। यदि कोई ऐसी क्वेरी है 9145652689 पर आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।